सो आई थिंक ये बड़ा बुड़ोम थोड़ा बैकग्राउंड में चलेगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए। ठीक है, सो आज मैं आपको US में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑफ कैंपस काम करना जो है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो बेसिकली हर साल बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, और बॉस्टन एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन स्टेट है अमेरिका का, जिस जो इंडिया में भी बहुत जाना जाता है, और इंडिया में भी लाइक यू नो देर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हियर सिचुएटेड इन बॉस्टन विच आर वेल 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 नोन। तो सबको सबके कहीं ना कहीं ऐसे ख्वाब होते हैं कि हमें बॉस्टन में पढ़ना है। सो बॉस्टन में इंडियंस का रेशो बहुत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको ग्रोसरी स्टोर से लेके सब कुछ मिल जाएगा इंडियंस का, इंडियंस के रिलेटेड। यू कैन डू शॉपिंग एंड यू कैन बाय एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, ठीक है, बस खाना नहीं मिलता है हमें, लाइक आई मीन खाना नहीं मिलता है नहीं, जैसे कि फास्ट फूड होते हैं जो, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम है, थोड़ी कम क्या मतलब इंडिया से तो कंपेयर करने लायक नहीं है, बट US में तो फिर भी ठीक ठाक है हमारा हाल। सो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, सो या थोड़ा इसीलिए खाने का रोना है, बट एनी वेज दैट इज़ नॉट द टॉपिक, आई एम रियली सॉरी। सो ठीक है, यहाँ पे सिंस US में सॉरी बॉस्टन में बहुत सारे इंडियंस हैं, सो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं उनके। तो बेसिकली ओ गॉड आई एम रियली सॉरी, पता नहीं आवाज़ क्यों कर रहे हैं ये लोग। एनी वेज सो बेसिकली आई एम इन आईसैक एंड अब तक मुझे निकल जाना चाहिए बिकॉज नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज, नो बडी इज़ देयर, आई वॉज स्टडिंग हियर। सो रात के 11 बज गए हैं और यहाँ पे क्लीनिंग करने वाले आ गए, इसीलिए आपको वॉइस थोड़ी सुनने में आ रही होगी। तो आई वॉज सेइंग दैट कि यहाँ पे बेसिकली दो कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रांगली जिनका बिजनेस चलता है यहाँ पे आर फर्स्ट साउथ इंडियन और गुजराती, ठीक है। सो गुजरातीज़ बहुत हैं यहाँ पे एंड साउथ इंडियंस भी बहुत हैं, और उनका बिजनेस भी बहुत है और वो स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, ठीक है। सो मेजरली इफ़ यू सो एवरी ईयर हम बहुत सारे इंडियंस आते हैं यहाँ पे, और उसमें से 50% स्टूडेंट्स जो है वो रेशियो वाइज मैं बात कर रही हूँ, सो इन जनरल 50% स्टूडेंट पढ़ाई वाले होते हैं जो बहुत हार्डकोर मेहनत करते हैं एंड बहुत ज़्यादा उनका फील्ड भी टफ होता है, टेक्निकल होता है, जैसे IT हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब फील्ड में वाले होते हैं, मतलब दोनों से सेम ही है बट ठीक है। सो जिसकी जिसकी स्टडीज़ रियली रियली टफ है, मशीन लर्निंग वाले, AI वाले, ये सब लोगों, ठीक है, तो ये लोग कभी नहीं करेंगे काम, और ये लोगों को तो ऐसा है कि वो सोच भी नहीं सकते हैं इसके बारे में, बिकॉज़ उन वो खाना भी बना लें वो भी काफ़ी है, क्योंकि उनकी फील्ड सच में बहुत बहुत टफ होती है और असाइनमेंट्स बहुत टफ होते हैं जिसका ChatGPT वैट कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं कर पाएगा, तो उनको कैसे भी करके पढ़ना होता है। एंड उनके कॉम्पिटिशन्स मार्केट वाइज तो बहुत बहुत टफ है, सो इनको कैसे भी करके अपना फुल टाइम फुल गोल ही फोकस करना है। सो बचे जो 50% स्टूडेंट होते हैं, अब ये 50% स्टूडेंट वो होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली वो छोटे चुनिंदा स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इतनी कोर कोई टफ फील्ड नहीं होती है, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट साइड के होते हैं या फिर थोड़े बहुत इधर उधर से छुटे हुए इधर उधर के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और मतलब नहीं मैं ऐसे ऑफेंड मत होना, बट जैसे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोर्स वाले नहीं होते हैं, ठीक है, इन जनरल ये है मेरा बोलने का मतलब। सो ये 50% स्टूडेंट्स ही करते हैं ऑफ के पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम, एंड ये 50% नहीं करते हैं। तो अब इनका ग्राफ लेते हैं, अब इसमें 50% में 10% स्टूडेंट जो है वो ऑन कैंपस उनको मिल जाता है, तो कुछ इनमें से भी करते हैं ऑन कैंपस बट बहुत बहुत रेयर है वो, लेकिन इनमें जो 10% करते हैं वो ऑन कैंपस है, इतना ही हमें मिल सकता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में। और जो बचे हुए 40% है ये बच्चे बाहर काम करते हैं, और अगर इन्हें आप बाहर काम करते हुए देखोगे तो मेजरली ये या गुजराती शॉप में करते हैं या फिर साउथ इंडियन शॉप्स में करते हैं, मतलब वहाँ के ओनर्स इस रेस के होते हैं। और क्या कह रही थी मैं, ठीक है, हाँ, तो जब ये बच्चे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, स्टार्टिंग में हम मतलब
इतना सीरियसली नहीं हो लेते हैं ये काम के लिए, तो वी आर नॉट दैट सीरियस कि हमें पार्ट टाइम करके बहुत पैसे निकालना है. हम सिर्फ स्टार्टिंग में इसलिए पार्ट टाइम करते हैं ऑफ कैंपस क्योंकि हमें अपना मंथली जो निकालते हैं एक्सपेंसेस वो हमारे कवर होने चाहिए. और इसी चक्कर में बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं कुछ करके बाहर से इतना निकाल लूँगी या निकाल लूँगा, तो इस चक्कर में वो ऑफ कैंपस का होप करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऑन कैंपस उन्हें मिलेगी नहीं तो वो ऑफ कैंपस ही करेंगे. तो अगर उनके पास थोड़ा फाइनेंशियली बैकअप नहीं है तो वो करते हैं. बट फिर जब 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 वो पैसे कमाने लगते हैं, अगर आप मिनिमम काम करोगे ना, मतलब हफ्ते के 1 से 2 दिन मैक्सिमम अगर आप ऑफ कैंपस कर रहे हो जहाँ पे पेमेंट $10 होती है, आप $10 के हिसाब से भी मंथली एक्सपेंस निकाल सकते हो. कितना हो गया, 200, 800, हाँ आराम से आप निकाल सकते हो. और अगर आपका लाइफस्टाइल इतना नहीं है ना तो आप तो एक दिन भी मही हफ्ते का काम करके निकाल सकते हो. और अगर आपने अच्छी डील्स करी हो, लाइक जैसे आपने थोड़ा कॉस्ट ऑफ सेविंग वगैरह सेव किया हो, तो ये सब में आपका हो जाएगा. आपको इतना इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑफ कैंपस पार्ट टाइम का. बट आप स्टार्ट तो करते हो एक दिन से लेकिन आप क्या करने लगते हो, जैसे जैसे पैसे आते हैं ना, अब जैसे हम कितने 20, 21, 22 साल के स्टूडेंट्स होते हैं तो हमने इतना कमाया नहीं होता है. तो हमें जब पैसे मिलते हैं, अब हमारी सोच है इंडियन, हम सोचने लगते हैं अरे ये तो 30,000 है, 40,000 है हफ्ते के. मैं एक दिन करके अगर इतना कमा रहा हूँ तो मैं अगर 4 दिन करूँ तो क्या करूँ कमाऊँगा, 5 दिन करूँ, 6 दिन करूँ, कितना कमाऊँगा. तो बच्चे उसी चीज़ों में पड़ जाते हैं धीरे धीरे. और उनके उनको बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि वेर दे आर हेडिंग, बिकॉज यू नो यू गेट टू टू बिजी विद योर स्केड्यूल्स विद योर लाइफ हियर दैट यू डोंट नो, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. सो इन दैट थिंग दैट स्टूडेंट्स गेट स्पॉइल्ड. ठीक है, सो क्या होता है कि वो बच्चा पढ़ता है बट वो सिर्फ काम चलाऊ पढ़ता है, उसका पढ़ाई में कोई मन नहीं रहता है, उसका सिर्फ पार्ट टाइम में टाइम जा रहा है और बचा कुचा टाइम या तो खाना बनाता है या फिर अपने कपड़े धोएगा या फिर अपने काम कर लेगा थोड़े बहुत या असाइनमेंट कर लेगा. बस ये करके वो सोच रहा है बहुत फुल प्रोडक्टिव है वो. तो ये तो मिसकंसेप्शन है ना, आप टेम्पररी चीज़ों के लिए परमानेंट गोल क्यों मिस कर रहे हो. टेम्पररी है ये सब लाइफ में, आप ज़िंदगी भर वो गधा मजदूरी वाली काम नहीं करोगे. और स्पीकिंग अप अबाउट द वर्क प्रोफाइल आउटसाइड वेयर यू वर्क, इट्स ईदर लिक्योर शॉप, स्मोकिंग शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर, स्टैंडिंग वर्क ऑल द टाइम, और यू नो समटाइम्स गर्ल्स डू एट पार्लर एंड सम गर्ल्स डू एट बेबी सिटिंग. मतलब बेबी सिटिंग तो बहुत ही कम मिलता होगा लोगों को, बट जिसको भी मिलता है, मैंने अभी मतलब मैं ये सब चीज़ें जो डिस्कस कर रही हूँ ये पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ना ये मेरे एक्सपीरियंस है और ना मैं किसी को जानती हूँ जो पार्ट टाइम ऑफ कैंपस करता है. ठीक है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट लाइक मुझे ट्रबल में नहीं आना है. सो आई डोंट नो एनी थिंग एंड आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन ऑल दिस टॉपिक बिकॉज आई हैव हर्ड ऑल ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो एंड आई डोंट सपोर्ट ऑफ कैंपस पार्ट टाइम एट ऑल, बिकॉज नॉट ओनली लीगली इट इज़ पहले तो लीगली अलाउड नहीं है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न वाई आई एम नॉट सपोर्टिंग इट. ऑल्सो बच्चे स्पॉइल्ड हो जाते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बेसिकली. सो स्पीकिंग अप अबाउट दैट बेबी सिटिंग एक्सपीरियंस, सो मैंने ऐसा सुना था कोई एक लड़की करती थी यहाँ पे, उस वो इंडियन फैमिली के पास करती थी, तो उसने शायद शी वॉज फोकस इनफ नॉट टू गेट टोटली इन टू दिस, सो शी वुड डू काम चलाने जितना. एंड वो करते करते उसने शायद छोड़ दिया कभी, आई डोंट नो. फिर उसको उस लेडी ने बहुत इंसिस्ट किया कि तू आ जा कर ले कर ले, बट शी सेड नो आई कांट, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बोला होगा उसने, आई डोंट नो. तो फिर उस लेडी ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं. फिर वो उसने बोला कि तेरे कोई अगर कोई रेफरेंस में होगे तो जस्ट सजेस्ट कि लाइक इफ़ यू नो एनी वन सो जस्ट यू कैन रेफर देम एंड आई विल लुक इन टू इट. सो दैट गर्ल सेड ओके दीदी आई विल जस्ट सी. तो उस लेडी ने क्या बोला, एनीवेज सो शी वुड डू, सो शी सेड ओके आई विल सी इफ आई गेट एनी रेफरेंस और इफ आई थिंक देर विल बी एनी गर्ल आई विल डेफिनेटली रिकमेंड. तो उस लेडी ने उसे बोला कि प्लीज़ मेक श्योर कि वो बच्ची पढ़ने वाली ना हो,
जस्ट ऐसे थोड़ा पार्ट टाइम वार्ट टाइम करने वाली हो और ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में ना ध्यान देने वाली हो, वैसी लड़की भेजना. सो दिस इज एग्जाम्पल वाई आई एम टेलिंग यू इज़ बिकॉज दिस शोज़ अ लॉट अबाउट द मैंटेलिटी हियर. दैट फैमिली दैर शी वॉज वर्किंग एज अ बेबी सिटर, दैट वॉज ऑल्सो एन इंडियन फैमिली एंड दे हैव बीन टू द सेम स्ट्रगल, राइट? दे हैव बीन एज एन लाइक दे हैव बीन टू दिस फेज, दे हैव बीन टू दिस टफ लाइफ. तो उनको इतना तो समझने में आना चाहिए ना कि किसी को, किसी बच्चे को क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है पीछे इंडिया में. हर कोई यहाँ पे आता है वो रिच नहीं होता है. तो वो चीज़ें लोगों को यहाँ पे, हमारी जैसे लोगों को तो समझ में आना चाहिए जो इंडियन ही है. हमें खुद की कम्युनिटी को तो सपोर्ट करना ही चाहिए, बट लोग वो नहीं करते हैं. हमारे जैसे मतलब हम इंडियंस कैसे होते हैं, मतलब इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं, बट हम क्या सोचते हैं कि काम चला लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं. तो ऐसे सोच के ना हम अपने बारे में सोचते हैं, हम सामने वाले के बारे में नहीं सोचते हैं, जो बहुत बहुत गलत है. और ये चीज़ यहाँ पे, मैं मतलब मुझे US के बारे में बोलना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे लोग हैं ना, इवन इफ़ यू आर रेडी टू डू एनी वर्क, ओके, दिल आस्क यू इफ डू यू हैव ड्राइवर लाइसेंस, दिल से नो बट आई विल मैनेज बिकॉज वी आर ईगर टू गेट जॉब, राइट? सो वी विल से आई विल मैनेज विद द टैक्सी, आई विल मैनेज विद एनी थिंग दैट इज़ देयर. बट द फॉरनर्स, मतलब यहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं कि इस इंसान के पास अगर कम्यूट नहीं है तो ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल कर पाएगा इस रोल में, और हम लोग इसको शायद इतना पे भी नहीं कर रहे हैं कि इतना ये स्ट्रगल करके आए ऑफिस और फिर आके इधर भी काम करे. तो इस हिसाब से वो रिजेक्ट भी करते हैं बच्चों को कुछ कुछ, सॉरी. सो दैट दैट कैन बी अ रीज़न, राइट? तो यहाँ के लोग बहुत सोचते हैं सामने वाले के भी, बट हम नहीं सोचते हैं. हम अपना काम निकालने के लिए सोचते हैं. और मैंने कल ही आई वॉज वेन आई वॉज सिटिंग इन करी, सो देर इज़ अ गेमिंग सेक्शन एंड वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी एंड मुझे वहाँ पे दो लोग दिखे, ओके, दे वर ऑल्सो एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो एक चाइनीज़ था और एक मोराको या कहीं से था. तो वो लोग ना बात कर रहे थे और मैं थोड़ा साइड में थी, बट मैं मोरक्को, ये ऐसे बैठे थे दोनों, तो मैं इधर थी. तो ये मोरक्को वाले को मैं दिख रही थी और बट इसने पहले मुझे नहीं दिखा. ये लोग ना हमारे बारे में बिचिंग कर रहे थे, मतलब ये लोग हमारे बारे में बोल रहे थे कि हम मतलब इनकी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रही, बट ये दोनों स्पेसिफिकली बोल रहे थे कि हम बहुत चालाक होते हैं. हम वैसे ही बदनाम है यार, यहाँ पे बोलते हैं कि हम बहुत चालाक होते हैं, हम बहुत सेल्फिश होते हैं, हम लोगों से रेफरल मांगते हैं जॉब के लिए, बट जब व्हेन इट कम्स टू अस वी नेवर रिकमेंड एनी वन. सो मे बी दे हैव हैड देयर एक्सपीरियंसेस. सो स्पेसिफिकली दे वर टॉकिंग अबाउट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज. सो वो ऐसा बोल रहे थे जो मुझे अच्छा तो नहीं लगा, बट मैं सुन रही थी उनकी बातें, मतलब बहुत क्लोज थी तो मुझे सुनाई दे रही थी सब. वो ऐसी बातें कर रहे थे तो देन आई थॉट कि ओ, आर इमेज इज़ रियली रियली नॉट गुड. आई मीन पीपल इन जॉब सेक्टर ऑल्सो, यहाँ पे टॉक्सिक है हम, तो वो मानना पड़ेगा क्योंकि वर्क कल्चर हमारा इंडिया का जो है, कुछ लोग वहाँ पे काम करके आते हैं एंड दे फॉलो द सेम प्रोटोकॉल हियर. अगर वही बंदे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो यहाँ पे आके कोई लीडरशिप पोजीशन पे जाते हैं, तो वो भले ही यहाँ पे काम कर रहे हैं बट इनकी भी मेंटालिटी वो पिछड़ी वाली रहती है इंडिया में, जो जैसे हम काम करते थे एकदम टॉक्सिक कल्चर, ओवरनाइट काम, ये सब जो भी था उधर मैंने किया है. इसलिए आई कैन से विद माई एक्सपीरियंस कि यूजुअली आई वुड गो 8 or 9 इन द मॉर्निंग एंड आई वुड गेट आउट ऑफ दैट ऑफिस बाई 10:30, 11. सी आई एम लाइक इट वॉज क्रॉसिंग मोर देन 12 आवर्स एंड मतलब बहुत टॉक्सिक था यार मैं जहाँ काम करती थी. बट एनी वेज हर कंपनी इंडिया में ऐसी नहीं है, बट या कुछ है तो आई हैव बीन टू दैट सिचुएशन, सो आई नो वेर इट कम्स फ्रॉम. तो पीपल हियर दे इवन गेट पावर, दे डू द सेम थिंग. तो वो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए. तो या मैं डाइवर्ट हो गई, सॉरी. तो वो बेबी सिटर वाली जो लेडी थी उसने इसको ऐसा अप्रोच किया. तो दिस सेज अ लॉट अबाउट द मैंटेलिटी कि लोग अपना देखते हैं. एंड मैंने एक और एग्जाम्पल देखा, सुना था कि देर वॉज अ गाय हु वॉज वर्किंग एट सम प्लेस, आई डोंट नो, शायद कोई ग्रोसरी या लॉटरी वगैरह होगा. तो वहाँ पे उसको उस ओनर ने इंटरव्यू लिया था एंड यू विल बी शॉक कि वॉट ही सेड. इसने ओनर ने इंटरव्यू में क्या पूछा कि तेरा इंडिया जाने का प्लान नहीं है ना, तू 6 से 8 महीने इंडिया नहीं जा सकता,
तू कोऑप नहीं कर सकता, तू ग्रेजुएट कब हो रहा है, तेरा फुल टाइम नहीं चलेगा ना, फुल टाइम वगैरह नहीं ध्यान देना है तुझे, तुझे वहाँ पे काम करना है। सो ये सब चीज़ें मतलब बाय सेटिंग की तेरा प्रायोरिटी मेरा काम होना चाहिए, मेरा स्टोर चलाना होना चाहिए, तेरा काम तेरा पढ़ाई वढ़ाई नहीं होना चाहिए, विच ही इज़ राइट, बट ही इज़ एक्चुअली टॉक्सिक, क्योंकि इफ़ ही विल पे समबडी हु इज़ फ्रॉम हियर, ही हैज़ टू पे डबल ऑफ द अमाउंट, एंड सेकेंड दैट पर्सन वुड नॉट बी दिस लॉयल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग लाइक आस। सो वो बच्चे कर लेते हैं, तो ये दिस रिप्रेजेंट्स अलॉट कि हम कैसे हैं यहाँ पे, हम ही अपने आप को नहीं सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग इन जनरल, एंड यस, सो दिस दीज आर द रियल रीजन्स वाई यू शुड नॉट गेट इन टू ऑफ कैंपस पार्ट टाइम, बिकॉज ए इट इज़ इलीगल, बी इट इज़ टॉक्सिक, सी इट इज़ योर इट इज़ एन डिस्ट्रैक्शन, ओके, एंड यू आर अंडर पेड, सो वाई टू डू दिस, सो दीज आर आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रांग रीजन्स दैट यू शुड नॉट डू, राइट, एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट, एंड आई मीन आई विल बी मेकिंग वीडियोज, आई हैव अ वीडियो दैट सून आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कोऑप इंटर्नशिप एंड माई एक्सपीरियंस, हाउ आई लाइक स्टार्टेड एंड वो हाउ इज़ इट गोइंग ऑन, इफ़ आई गॉट ऑफ और नॉट और एनी थिंग, सो आई अपडेट एवरी थिंग इन दैट वीडियो, बट मे बी आफ्टर दिस आई विल पोस्ट सम ब्लॉग्स और समथिंग, सो स्टे ट्यून्ड इफ यू रियली वॉन्ट टू सी मोर कंटेंट अबाउट बॉस्टन, एंड या सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड हिट दैट बेल आइकन देयर, ओके, बाय बाय.